अनुपमा में सुधांशु पांडे वनराज की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी भूमिका काफ़ी पसंद की जाती है। इस शो में उनके अलावा रूपाली गांगुली और मदलसा शर्मा अहम भूमिका में हैं। सुधांशु पांडे ने अब एक इंटरव्यू में कहा कि आजकल टीवी लोगों की तीसरी नहीं बल्कि कईयों की तो पहली पसंद है। सुधांशु पांडे एक लोकप्रिय टीवी कलाकार हैं। सुधांशु पांडे का टीवी शो काफ़ी पसंद किया जाता है। सुधांशु पांडे ने पिछले 20 वर्षों में कई फिल्मों और टीवी शो और वेब सीरीज में काम किया है। सुधांशु पांडे का दावा है कि उन्हें सबसे ज़्यादा टीवी पर पसंद किया जाता है। वहीं इस बारे में बात करते हुए सुधांशु पांडे ने कहा कि मेरे शो की सफलता ने मुझे घर घर पहुंचा दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शो के चलते मुझे फिल्मों में कम लोकप्रियता मिली है। मुझे लगता है कि टीवी कलाकारों को लोकप्रियता बनाते हैं, लेकिन इसका दर्द भरा पक्ष ये है कि जैसे ही शो खत्म होता है आप भुला दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि सभी माध्यमों के अपने पक्ष और विपक्ष होते हैं। मेरा शो काफ़ी लोकप्रिय है, मेरी भूमिका काफ़ी पसंद की जाती है, मेरे लिए ये शानदार जर्नी है। जब तक लोग शो पसंद करेंगे तब तक मैं काम करना चाहता हूँ। हाल ही में कई कलाकारों ने फिल्मों या OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने के चलते TV शो कम कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल फिल्मों या OTT की तरह TV शो में भी काम करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। कई लाख कलाकार एक शो में काम करने के लिए प्रयास करते हैं। TV में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। मैंने कई OTT और फिल्मों के अभिनेताओं को TV में काम करते हुए देखा है, क्योंकि यह सभी के लिए आय का जरिया बना हुआ है ताकि वो मुंबई में जी सकें। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सर्वे की रिपोर्ट।